Right. So I'm not sure whether. So, who's there? Can you all say hi? I am right now with Paranormal Society of Assam. Hello, Niloy Das. So, let me see how many of you join and then we will start. Because I think you all need to share the live. Alright, so how many of you are there? Hello Rishiraj, hello Gaurav, hello Niloy. Hello Joya. So let me see how many of you join and then we will start, okay? So I am already in the Paranormal Society of Assam page. As I've committed that I'll be coming live. So hello Jyotishmita, hi. Hello Javin Ahmed, hi. ऑलराइट गाइस, कौन कौन यहाँ पे है? सो थोड़ा मेरे बारे में मैं बता दूंगा कुछ ही टाइम के अंदर. है हाय दादा, हाय पुष्पांजलि, हेलो. ओके, सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वेरी सून, ओके? बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं इतना कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बट दिस इज प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी. Hello Sibya Chachi. Hello, hi. Hi. So okay, there are a lot of people joining right now with me. So first of all, how are you Assam? कैसे हो? मेरा नाम रिद्देव है, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव आऊँगा पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ असम के साथ, तो आज मैं आप सभी के साथ लाइव हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ असम, यू ऑल आर डूइंग अ फेनोमिनल जॉब, ठीक है? एंड आई एम वेरी लाइक यू नो आई रियली फील ग्रेट दैट नॉर्थ ईस्ट में भी आप पैरानॉर्मल स्टडीज़ को बहुत हाय एवरीवन बहुत लाइक कर रहे हैं. सो मैं अलग অসমীয়া कब पारे तार पिसत অলপ অলপ পাৰো, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके? ओके, सो कैने का ভাল নহয়, কি খবৰ চলি আছে আপোনাৰ? হাই হাই ব্ৰাদাৰ, হাই হাই শেখৰ. So is there any paranormal investigation PSA के कोई members है आप नीचे में? अगर है तो प्लीज मुझे हाय लिखिए. पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ असम का कोई members अगर है तो हेलो नेहा, हाय परिजात बोरा, हाय परिजात, आपनर ভাল নে? हाँ मैं ভাল আছো, yeah I'm good. Hey Chandralika, hi. डॉक्टर चंद्रलिका, गाइस गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर चंद्रलिका, शी इज डूइंग अ फेनोमिनल जॉब आपके असम में कोरोना कोविड 19 के पेशेंट्स के. शी इज अ डॉक्टर एंड आई रियली वांट टू सैल्यूट हर, ओके? हेलो. ऑलराइट गाइस, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टू पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ असम फॉर इन्वाइटिंग अस एंड फॉर इन्वाइटिंग मी रादर. एंड थैंक यू सो मच कि आपने इन्वाइट किया मुझे एंड ये मौका दिया कि नॉर्थ ईस्ट के साथ मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है. आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिलोंग एंड और ये सब्जेक्ट के ऊपर जो बात करना है, तो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी वन आउट हियर, जितने भी आप सभी ने ज्वाइन किया यहाँ पे. सो लेट्स बिगिन विद द Q&A गाइस. सो लेट मी सी कौन सा सवाल आप सब पूछने वाले हो. माने इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, आई एम श्योर. यू आर ओनली रिद्देव, आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू. हाँ शिवाची सिद्धिया साची, या आई एम रिद्देव. हेलो देवंग, हाय एवरीवन. सो आई एम गोइंग टू शूट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव शूट आउट नेम्स क्योंकि हाय करते करते टाइम निकल जाएगा. सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन एंड Q&A सेशन. लेट्स सी क्या क्या सवाल आप सभी के पास है एंड मैं कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब देने जितना भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर में, ठीक है? हाँ ओलो पोलो पाऊँ पढ़ू.
थैंक यू रॉक टीम, थैंक यू। मुझे एक्चुअली एसएमएस पूरा पता नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी का जो एसएमएस है पढ़ के मुझे थोड़ा बहुत समझ में आए। अश्विनी आई एम गुड, अश्विनी खबर भले, आपुनी भले आसे, मैं भले आसो मुंबई से आसो, तो आई नो द सिचुएशन ऑफ मुंबई, सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक एसएमएस, आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स, बट ऑल राइट। सो लेट्स बिगिन विद द क्यू एंड ए सेशन गाइज। तो आई होप कि आप सब यहाँ जो भी यहाँ पे है, आप सभी को पैरानॉर्मल स्टडीज के ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट है, इसलिए शायद आप सब यहाँ पे हो। प्लीज टॉक इन इंग्लिश सर, या आई स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन हिंदी, आई ट्राई टू स्पीक इन एसएमएस ऑल्सो, बट यू नो जो कंफर्टेबल आप सभी को लगेगा मैं वही लैंग्वेज में बात करूँगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो विद द क्यू एंड ए सेशन गाइज। आई होप आई एम लुकिंग क्लियर एनफ, आई थिंक सो। ओके, कैन आई कॉन्टेक्ट यू पर्सनली? मेरा एक बहुत बड़ा हफ्ता हो गया था, मेरा मुझे कुछ बात करना था। या श्योर देवंगा, यू कैन ऑल्सो राइट टू अस, यू नो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी @gmail.com, यू कैन ऑल्सो राइट टू अस, और यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट एंड यू नो यू कैन गो टू द कॉन्टेक्ट अस पेज एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वील ट्राई टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। सर भूत होता है या कोई पावर है? देखो मानो या ना मानो, लेकिन भूत तो होते। ओके, अभी गोस्ट को जो है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज भूत, ठीक है गाइस? ये भूत शब्द जो है, इसको हम लोग बहुत बचपन से इसको यूज मतलब सुना है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी कम टू नो कि ये लोग डरावने होते हैं, या यू नो दे आर गोइंग टू हर्म अस, दे आर गोइंग टू अटैक अस। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले जो ये भूत शब्द है, इसका हिंदी का अर्थ ये है कि वो भूत यानी भूतकाल यानी पास्ट। ओके, सो दैट इज वाई वो वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है भूत यानी पास्ट से। सो एनर्जीज होते हैं, आउटर बॉडी एनर्जीज है, ठीक है? दे डू नॉट यू नो दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। सो इसे हम लोग भूत या ऐसे नाम नहीं दे सकते, जैसे बीमारियां है, ठीक है? अलग अलग बीमारियां होती है, ठीक है? ऐसे भूत भी आप किसी भी तरह से लो, लेकिन होते तो जरूर है। देखो गाइस, वी ऑल नो अबाउट द यू नो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। आई एम श्योर कि आप सभी को पता है कि यू नो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो हम लोग जब यू नो डेथ हो जाते, तो वी ऑल आर ऑल्सो मेड ऑफ एनर्जी, सो डेफिनेटली ये एनर्जी कहीं ना कहीं पर तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? नाउ भूत को अगर आप नॉर्मली देखो, इमोशंस दैट इज कनेक्टेड। ओके, भूत क्यों बनते हैं? बिकॉज कुछ ना कुछ इमोशंस इंटेंट होते हैं इसके कारण। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आई एम कमिंग, आई हैव टू यू नो गो थ्रू ईच एंड एवरी वन। ओके गाइस, आई एम श्योर कि हैव यू एवर विजिटेड कर्शियंग? कर्शियंग अभी तक विजिट नहीं किया मैंने, वहाँ पे सुना है कर्शियंग डाउ हिल। हाँ डाउ, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम गए है, बट मैं नहीं गया हूँ। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, इज एवरी पर्सन सोल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू गोस्ट? Ghost and if so, on what basis they were categorized? Rishiraj, देखो, हर soul जो ghost में transform होगा या transform होगा ऐसे कुछ नहीं है। अगर वो particular spirit को कुछ emotional needs है या emotional intentions है, तब जाके जो है वो definitely वो particular चीज के लिए वो connect जरूर करने की कोशिश करेगा। Okay. नया, हम लोग रेगुलर वीडियोज इसलिए अपलोड नहीं करते क्योंकि हम लोग कंटेंट पे क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, तो जो बेटर क्वालिटी लगता है कि आप सभी को शेयर करना चाहिए, तो वही हम लोग वीडियो बनाते हैं। रिसेंटली हम लोग ने बनाए स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर, ओके पोजीशन के ऊपर वीडियोज बनाए, तो वो सब आप सभी को अच्छे लगेंगे। अदरवाइज यू नो कुछ नॉर्मल वीडियोज डाल के कोई फायदा नहीं होता। ओके, लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन। What happened after death? That is very nice, you know, question. What happened after death? See guys, death के बाद जो होते हैं ना, our body के जो soul, the soul that is जो है inner soul बोल सकते हो, that transform into astral form. Okay? So astral form में वो तकरीबन रहते हैं, then it transform into a spiritual form. But after death क्या actually होता है, you know, वो कोई वहाँ से आके हमें नहीं पता है. So once we try to communicate, we try to get it, whether you know what happened. But usually it happens कि maximum souls travels to a spiritual realm, okay, other dimension,
लेकिन कुछ स्पिरिट्स या सोल जो है वो इमोशनली कहीं ना कहीं पे अटैच हो जाता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, तो वो जा नहीं पाते। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो आई हैव गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ असम, सो आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। राइट, इज द पैरानॉर्मल रियल? ऑब्वियसली इट्स रियल। सो पैरानॉर्मल मतलब देखो, यू हैव टू सी द यू नो द मीनिंग ऑफ पैरानॉर्मल, दैट इज बियॉन्ड योर एबिलिटी। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल चल रहा है, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल, बट एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड योर एबिलिटी, बियॉन्ड योर डायमेंशन टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी इज नॉन एज पैरानॉर्मल, एंड डेफिनेटली इट्स होते। ये है इसलिए हम सब है, वी आर डूइंग रिसर्च ऑन इट, लेकिन द वर्क फॉर अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, क्यों होते, वट इज द रीजन? एवरीथिंग हैज यू नो लॉजिकल रीजन, एवरीथिंग हैज अ लॉजिकल फाइंडिंग, तो वो हम सब फाइंड करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कॉल आवर सेल्फ एज अ गोस्ट हंटर, वी आर नॉट अ हंटर, वी आर रिसर्चर, वी रिसर्च ऑन इट कि एक्चुअली होता है तो क्यों होता है। ओके, वट इज गोस्ट? वट इज गोस्ट आई थिंक ऑलरेडी मैंने आंसर कर चुका हूँ, यू नो दैट इज अ वेरी सिंपल टर्म्स पे भी बोल सकते हो, एनी यू नो डेड सोल हो सकते हैं, गोस्ट या स्पिरिट, इट्स अ बंच ऑफ यू नो इमोशनल थिंग्स, जो इमोशंस है उससे शायद बन जाते हैं स्पिरिट्स, यू नो इसी ने आफ्टर लाइफ, आई थिंक आफ्टर लाइफ के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। Ghost only come out at night, right or wrong? Absolutely, absolutely wrong. Ghosts, they do not have any time bound, guys. They can travel in any dimension at any point of time, okay? हम एज अ पैरानॉर्मल रिसर्चर क्यों रात को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं? बिकॉज एटमोसफियर जो है वो शांत रहते हैं, ठीक है? शांत रहने से क्या होगा कि हमें एविडेंसेज जो है वो क्लियर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो गोस्ट ओनली कम आउट एट नाइट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। They can be anywhere at any point of time, okay, and they can travel to any dimension whenever they want. Okay, okay. So there are a lot of comments are coming. Ghosts are really exist or not? Yeah, I think Zembel, I have answered to your question. आप कभी कोई I'm not understanding what you've written. अच्छे स्पिरिट और बुरे स्पिरिट भी होते हैं? हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, बिकॉज आप जब इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे तब आपको पता चलेगा हाउ द स्पिरिट इज यू नो रिएक्टिंग टू योर कमांड एंड ऑल, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ओके, आई टेल यू वन थिंग, स्पिरिट डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड द इंटेंट। ओके, एक पर्सन के बातों से समझ में इतना नहीं आएगा जितना उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ आएगा, सो दे डू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द पर्सन। ओके, do you have any scary paranormal investigation experience? Not scary, but yeah, we do have, you know, abhi agar mere experience ke bare mein agar main share karna lag jaunga to you know the session will be too long aur aap sab bhi bore ho jaoge, because there are a lot of experiences that we have faced, okay, and ha ek do main aap sabhi se share karunga very soon, and let's see how to confirm the presence of a spirit. See guys, the best way to find out the presence of a spirit is that what activity is taking place in your place, you know, at your place or wherever you want to find out, you know, knocking at the door, or you know, you are seeing a shadow, you know, calling out a name. There are 39 different way a spirit can manifest. Okay, smell. आपको अगर वो एक you know pungent smell के smell आ रहे लेकिन but you don't know where is the source, that could be possible. You know there is some spirit presence. Footsteps. These are the most common thing that you can find out whether that particular place there is some spirit presence or not. ओके, बट ऐसा अगर आप लोग एक्सपीरियंस करते हो, ओके, यू कैन ऑल्सो डू बाई योर सेल्फ, यू नो ट्राई टू कैप्चर द एक्टिविटी विद अ वीडियो कैमरा एंड ऑल, एंड अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली कॉल सम एक्सपर्ट, आई थिंक PSA इज द बेस्ट बेस्ट नॉर्थ ईस्ट पे जो आप उन सभी का हेल्प ले सकते हो। वेलकम एवरीवन गाइस, वेलकम। Is there any chance of aliens related to paranormal? No, aliens cannot be related to paranormal. There is again other you know subject, that is ufology. Okay, so under ufology we can understand what is aliens and you know where are the existence and all this. So it is under a debatable subject. So अभी भी चल रहा है। Guys, बहुत सारे questions एक साथ आ रहे हैं, तो I might you know skipping lot of questions. So I'm very sorry अगर कुछ question मैं skip कर रहा हूँ, ठीक है? Difference between real paranormal activity plus film. देखो, जब फिल्म के बारे में बात आती है ना, आपके दिमाग में एक चीज रखना चाहिए, फिल्म इज मेड फॉर कमर्शियल। ओके,
film is made for commercial, they will definitely keep the angle of business. ओके वो आप रखिए. एंड कोई भी फिल्म, चाहे वो हॉरर जोनर की हो, कोई साईफाई या बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ, दे विल डेफिनेटली मैनिपुलेट द स्टोरीज. दे विल ऐड सम मसालास एंड ऑल ऐड करके वो बनाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस नीड. तो एक्चुअल पैरानॉर्मल के साथ तो वो डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं होता, बिकॉज आई एम श्योर PSA को भी पता है, अगर हम लोग EVP सेशन करते हैं तो वी कैन गो आवर EVP सेशन फॉर मोर देन 1 आवर, बट उसमें से हमें जो एविडेंसेस एनालाइज करके मिलते हैं, दैट इज हार्डली फॉर 1 मिनट और 2 मिनट. बट फिल्मों में जो हम लोग देखते हैं वो दे शो एक्सट्रीम, बिकॉज ऑडियंस विल लाइक दैट. सो डेफिनेटली पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड फिल्म बहुत पोस्ट एपर्ट भी बोल सकते हो आप. थैंक यू संदीपा जी. ओके. ओके आई थिंक हाउ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स मैंने आपको बता दिया. एनी चांस ऑफ एलियंस रिलेटेड टू पैरानॉर्मल ऑल्सो आई हैव आंसर्ड. बिटवीन रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड फिल्म, वो भी मैंने आंसर कर दिया आप सभी को. इन असम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोर्टल्स इज वीरा वीरा. पीपल से दैट इफ इफ दे गेट एंग्री दे कैन मूव एनी ऑब्जेक्ट एंड थ्रो स्टोन टू एनीवन. हाँ ओके. सो वीरा वीरा के बारे में आई थिंक कल PSA ने मुझे एक वीडियो भेजे थे, उसके लिंक वो मैंने ड्यू टू सम लैंग्वेज बैरियर में वो समझ नहीं पाया, लेकिन जो क्लिपिंग्स वगैरह मैंने देखा, ठीक है, कि आग लग जा रहा है एक पर्टिकुलर विलेज में एंड देर इज अ गर्ल हु फेंटेड एंड ऑल. तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि देखो गाइस, कभी भी कुछ अगर ऐसे आप सभी के पास आजू बाजू में होता है, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट लॉजिकल. तो जो फेंट हो गया उनके साथ कोई मेडिकल इशू है कि नहीं, ठीक है. फेंट होना भी एक पार्ट ऑफ मेडिकल होता है, जो कि एपिलेप्सी अटैक होते हैं, एपिलेप्सी अटैक में भी पड़ सकते हैं, ठीक है. नाउ आग लग जा रही है, उसका भी सोर्स आपको निकलना है. बाद में अगर आपको सोर्स ना मिले, ठीक है, देन वी कम इन टू द एक्शन एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी पैरानॉर्मल और नॉट. अभी ग्राउंड में क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे था नहीं, तो हम लोग वहाँ पे थे नहीं, तो हमें एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में वो सोर्स ऑफ आग जो है वो कहाँ से हुआ. जो लड़की जो फेंट हो गया वो एक्चुअली क्यों हुआ, उसका कुछ मेडिकल ग्राउंड में कुछ है या नहीं. ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ लोकल SMS गोस जिगल थिंग हियर. आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. प्लीज नेम सम टूल्स टू डिटेक्ट स्पिरिट और एनर्जी. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. ओके थर्मल कैमरा. ओके यू कैन यूज योर ओन कैमरा ऑल्सो. ओके यू कैन यूज EVP कैमरा, EVP रिकॉर्डर, EMF. ओके घोस्ट मीटर, स्पिरिट बॉक्स. ओके मोशन सेंसर, CCTV cameras. There are lot of evidence, tools that we use. Is the spirit able to touch and move objects? See, moving a object, I'll tell you one thing. एक स्पिरिट का जो ना उसका पावर बहुत कम होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. एक स्पिरिट जो होता है इट इज वेरी बहुत लाइट होते हैं. ओके उनको अगर एक पर्टिकुलर कैंडल का फ्लेम को भी बैंड करना पड़ता है ना, दे नीड लॉट ऑफ पावर फ्रॉम द एटमोसफियर, फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके नाउ मेकिंग समथिंग लेविटेटिंग सम ऑब्जेक्ट्स और डूइंग द पोल्टरगाइस्ट, वो पर्टिकुलर स्पिरिट्स नीड अ लॉट ऑफ टूल. मेरे लाइफ में अभी तक मैंने पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी को फेस नहीं किया अभी तक, ठीक है. मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो मैंने देखा, चीज़ें गायब होते हुए मैंने देखा, सेम जगह पर दोबारा आते हुए मैंने देखा. सो बट गेटिंग इन टू फायर जला देना एंड चीज़ों को हवा में रखने के लिए, ओके दैट ऑल्सो दे कैन डू हार्डली नॉट मोर देन 2 सेकेंड्स, बिकॉज दे नीड लॉट एंड लॉट ऑफ पावर. योर ओपिनियन ऑन रीबर्थ. सी आई रियली आई डोंट बिलीव इन रीबर्थ और इंकार्नेशन, बिकॉज नो वन नोज वॉट हैपन्स आफ्टर लाइफ. एक्चुअली दैट इज द मेन थिंग. ओके एंड ये भी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है रीबर्थ टू. एक अच्छे स्पिरिट्स के विंग्स होते हैं क्या? दीज आर ऑल बिलीफ सिस्टम. देखो जब आप बिलीफ सिस्टम पे जाओगे ना, यू कैन ब्रॉड योर माइंड. ओके आप उस टाइम एस्ट्रल ट्रेवल बोलो, टाइम ट्रेवल बोलो, आप कुछ भी कर सकते हो थ्रू योर माइंड. तो गाइज अगर आप बिलीव पे चलोगे तो आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, लेकिन आप अगर रियलिटी ग्राउंड पे आओगे, रियलिटी के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दोगे, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि रियलिटी इज मच 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 कॉम्पैक्ट देन वॉट यू थिंक बिलीव. Can we help spirit if they need help? Obviously, we are there to help. That's what we are here, Okay, and another question was, PSA, I think you need to repeat the question because I have to, comments to find out the question. Possession, exorcism, and reality. Okay, guys, now tell me who wants to know about possession.
नाउ टेल मी हु वांट्स टू नो अबाउट पोजीशन. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगता है ना आप लोगों को पोजीशन जब सुनते हो तब क्या आते हैं, कौन सा एमिली रोज का मूवी आते हैं, एक्सोसिज्म का भी मूवी इसके बारे में आते राइट. एक्जैक्टली पोजीशन के ऊपर हम अभी बात करते हैं. देयर इज डॉक्टर चंद्रलिका इज हियर ओके, शी इज आल्सो अ साइकियाट्रिस्ट सो शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मी. ना सी गाइस नाइटमेयर्स क्या होता है, देखो गाइस बहुत बार हमें सवाल ये आते हैं कि डू गोस्ट हार्म अस, ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हार्म यू इफ यू ट्राई टू इन्वेंट इन देयर टेरिटरी, इफ यू ट्राई टू डिस्टर्ब देम. देखो बहुत टाइम क्या होता है ना, बहुत सारे स्पिरिट्स जो होते हैं वो लॉस्ट रहते हैं, लॉस्ट यू नो लॉस्ट एंग्री, और फिर आप जाके उसका मजाक उड़ाओगे, उसको यू नो उसको डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली इट विल हार्म. ऐसा अगर आप कोई चीटी को भी आप कर दो, कोई जानवर को भी आप जाके उनके टेरिटरी पे डिस्टर्ब करो तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू राइट. सो डेफिनेटली, लेकिन आज तक ऐसे कुछ हार्मफुल नहीं करते कि मतलब यू नो मैक्सिमम मी मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने एक्सपीरियंस मतलब इतने यू नो इन्वेस्टिगेशन हमने किए, एट द मोस्ट मैं मुझे मेरे बॉडी में जो इफेक्ट हुआ जो हार्म किया मुझे दैट इज ओनली अ पुश ओके, चेस्ट में एक पुश का मुझे मिला, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिला ओके. एंड मैक्सिमम इट्स यू नो सम स्क्रैच मार्क्स एंड ऑल. यार डेफिनेटली स्पिरिट्स ऑफ एनिमल इंसेक्ट्स आल्सो डज एक्सिस्ट. स्पिरिट को आपको समझने की जरूरत है ठीक है. व्हाट इज इट, इट इज अ बंच ऑफ इमोशंस दैट इज अटैच्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके. इट्स अ बंच ऑफ इमोशंस दैट इज अटैच्ड. सो स्पिरिट्स बोलो आप, गोस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस. सो दैट इमोशंस नीड अगर है तो वो डेफिनेटली रह जाएगा. नाउ लेट कम बैक टू no okay Sandeepa ji is if spirits are to be around you despite you not knowing it will the spirit harm you in any way? No guys, koi bhi place jaisa ki ek sawal aaya tha PSC se ki old buildings haunted hote hain ya nahi, maybe may not be, lekin I'll tell you one thing, aapko ye pata nahi ho sakta ki aap jahan pe bhi ho wo place bhi haunted ho sakta hai since last 200 years, lekin jo spirit hai maybe he doesn't need that इमोशनल नीड फ्रॉम यू ऑल, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ठीक है. अगर उसको कम्युनिकेट करना जरूरी बनता है आपके साथ तो इट डजंट मैटर वेदर यू स्टे इन अ ओल्ड बिल्डिंग और वेदर यू स्टे इन अ न्यू बिल्डिंग, इट विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू ओके. सो दिस इज और ये फैक्ट आप रखिए, वो इमोशनल नीड अगर है, अगर इमोशंस है उनको, अगर प्रेजेंस दिखाने हैं उनके लव्ड वंस को, तो चाहे वो लव्ड वंस यू नो ओल्ड बिल्डिंग में रहे या न्यू बिल्डिंग में रहे, it will definitely come and you know try to communicate. You can capture in CCTV camera because you know they are in the form of energies, because IR cameras do have the you know white light, so jisse hum log capture kar sakte. Normal camera I don't think so, some orbs aa sakte lekin orbs ko fir hum log count nahi karte as a you know energy. Hame kaise pata chalega ki yahan pe ghost hai, matlab kya feel hote. Dekho feel ye hoga ki agar koi spirit hai ओके उसके पास अगर नीड्स है आपके साथ कनेक्ट करने के लिए तो वो किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट करेगा, लाइक यू नो नॉकिंग एट द डोर, कॉलिंग योर नेम ओके, ऑब्जेक्ट मैनिफेस्ट हो सकता है ठीक है. सो दिस वे से दे ट्राई टू कम्युनिकेट, देयर आर 39 डिफरेंट वेज दे ट्राई टू कम्युनिकेट ओके, दे ट्राई टू मैनिफेस्ट ओके. लेट्स गेट बैक टू पोजिशन ओके. सो टेल मी आप लोग पहले क्या सोचते हो पोजिशन के बारे में. No, Rishi, they doesn't. They are timeless. They are, you know, they do not have any religion. They are, you know, free of dimensions. अब religious पे हम लोग उसको add कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग वो चीजों को add कर रहे हैं according to our own comfort zone, according to our own belief system. They do not have any religious. They do not have anything. They are just they are present because of some emotions. As and when the emotions gets over, they will travel to their own realm. So guys, पहले आप लोग बताइए. पहले आप लोग बताएं पोजीशन के बारे में, जब आप सुनते हो तो क्या लगता है, क्या क्या हो सकता है पोजीशन. कम ऑन असम जल्दी. कैन यू ऑल सी माय, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग एनी कमेंट्स राइट नाउ. एम आई ऑडिबल?
Am I audible, guys? Okay, because I'm not getting the comment. Why some spirits are trapped in this earth? Because of their unfinished work, because of their their emotions, so they couldn't go, they couldn't travel to their other dimension. Okay, this is the answer to I don't know what's your name. It's written in Assamese, so I can't read. Okay, let me answer you the possession, guys. Possessions ka actual me, basically it means what, it means influence. पॉजिशन का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस. नाउ फॉर एन एग्जांपल, सोच लीजिए कि आप एक दोस्त के साथ बैठे, आपके बहुत एक अच्छा दोस्त है, गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. नाउ आई टेल यू, लाइक पॉजिशन जो है वो इट बेसिकली इट मीन्स अ इन्फ्लुएंस. ओके, एंड अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप आपके बहुत एक अच्छे दोस्त के साथ बैठे हो, ठीक है, एंड ही इज इन टू अ डिप्रेशन. ओके, ही इज इन टू अ डिप्रेशन. ओके, ही इज डिप्रेशन, डिसहार्टेंड एंड ऑल, और आप उनके साथ बैठे हो, तो स्लोली स्लोली व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी. आप भी देखना, धीरे धीरे आप भी डिप्रेशन फील करने लगोगे. यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस विद द हाई एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, हु इज सिटिंग बिसाइड्स यू. ओके, एंड देन यू फील लाइक गेटिंग अपसेट, गेटिंग डिप्रेस, लाइक द वे ही. ओके, पॉजिशन में यही होता है कि अ पर्सन, देखो पॉजिशन का टर्म्स होते हैं ना, आप हिस्टीरिया के साथ भी HYSTERIA इसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं इसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, टाइम शॉर्ट है. तो उस पर क्या होता है ना, अ पर्सन हु इज अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, दे ट्राई सम द अदर, दे ट्राई टू गेट सम अटेंशन. ऑलराइट, दे ट्राई टू गेट सम अटेंशन, दे नीड सम अटेंशन. ओके, दे वॉन्टेड टू बी द सेंटर. ओके, जिन लोग का लो सेल्फ एस्टीम होता है, एंड ये सब आप ज़्यादा देख पाओगे रूरल एरियाज पे. इंडिया में आपको रूरल एरियाज पे पॉजिशन केसेस ज़्यादा मिलेंगे. बिकॉज what is energy? Energy is a pool of energy, they are made of full of emotions. Now a person is also low self esteem, jiske emotions jo hai, she or he is suffering from hysteria. Okay, so hysteria se agar suffer kar rahe ho to aap usko definitely le ja sakte ho koi psychiatrist ke paas, ya koi hypnotist ke paas aap le ke ja sakte ho. Lekin wo jab connect ho jate hain na wo particular emotions ke sath, then they try to behave in that way. Okay, they try to behave in that way. तो पॉजिशंस एक्चुअली में देखो, आज तक हम लोग ने इतने सारे केसेस किए, 95% ऑफ द पॉजिशन केस हैज अ मेडिकल टर्म. ओके, हैज अ मेडिकल एंगल. ओके, पॉजिशन, वन मोर थिंग आई टेल यू, पॉजिशन एंड स्किजोफ्रेनिया, दिस टू हैव अ वेरी थिन लाइन. ठीक है, दोनों एक, दोनों का अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो इट्स क्वाइट सिमिलर. ओके, सो आप पॉजिशन केस को ना मेडिकल वे से, काउंसिलिंग से हेल्प कर सकते हो. ओके गाइस, कोई भी गोस्ट अंदर नहीं आ सकते आपके बॉडी में. यू ऑलरेडी हैव अ एनर्जी ऑन यू, दैट एनर्जी इज मच मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द एनर्जी दैट इज आउटर बॉडी. दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, यू हैव अ फिजिकल फॉर्म. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट गाइस, यू हैव अ फिजिकल फॉर्म, यू हैव द एनर्जी दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द न्यूट्रिशंस एंड ऑल. दे डू नॉट हैव इट, दे टेक इट फ्रॉम द एटमोस्फियर सराउंडिंग देम. ओके, सो पोजिशंस, आजकल जो पोजिशंस का दिखा रहा है वो सब मैक्सिमम ड्रामा होता है, मैक्सिमम ड्रामा होता है. ओके, सो आप पोजिशंस पे मत जाइए गाइस, बिकॉज कोई भी स्पिरिट के पास इतने ताकत नहीं है कि आपके जो सोल है इनसाइड में उसको निकल के वो खुद मैनिफेस्ट करे. ओके, इतना अभी तक नहीं आया, अभी तक एटलीस्ट आई हैव नॉट फेस्ड, एंड आई थिंक नो बडी इन द एंटायर वर्ल्ड जो पैरानॉर्मल फील्ड में है जिसने फेस किया कि पोजिशन केसेस जो होते उस पर भूत अंदर आते. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट एक्सोसिज्म. एमिली रोज के बारे में आपने पढ़ा है, एमिली रोज के जो एक्सोसिज्म हुए थे. ओके, उस पर क्या लैक था, मेडिकल ग्राउंड, लैक ऑफ मेडिकल ग्राउंड में वो, उनको, उनका मॉम एंड डैड वेरी रिचुअल्स थे, वेरी रिलीजियस थे, सो दे प्रिफर रिलीजियस ओवर मेडिकल ग्राउंड. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, जितना हम लोग ये चीज़ को पढ़ेंगे ना, इतना हमें पता चलेगा व्हाट इज रियल. पोजिशन जो है इट्स जस्ट इन्फ्लुएंस. जैसे हम, यू कैन आप किसी को पोजेस कर सकते हो, आपके गाने से आप पोजेस कर सकते हो, इफ दैट इज गोइंग टू हार्म यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप पोजेशंस जो है वो एक
लो सेल्फ स्टीम जो बंदे हैं उन लोग को ज्यादा अटैक होने का, जो इमोशंस जो हिस्टीरिया से यू नो सफर कर रहे, इन लोग को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, गौरव तिवारी सर के बारे में कुछ बताइए। गौरव तिवारी सर तो मेरे गुरु है, ठीक है, हम बहुत सारे काम हम लोग ने एक साथ किए हैं। ओके, एंड आई एम श्योर दैट व्हेरेवर ही इज ही विल बी प्राउड ऑफ आईपीएस राइट नाउ। ओके, एंड सो दैट्स इट, एंड आई ऑलवेज टू का फाइटिंग एंटायर पैरानॉर्मल फील्ड जो है, पैरानॉर्मल सोसाइटी जो है इंडिया का या आउटसाइड ऑल्सो, दे लुक फॉरवर्ड यू नो टू गौरव सर यू नो आइडियोलॉजी। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ आई थिंक देयर आई हैव सेट सम ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पीएसए। व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस? ओके गाइस, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किस किस को स्लीप पैरालिसिस होते बताओ? किस किस को स्लीप पैरालिसिस होते? हेलो ज्योति दी, हाय, कम ऑन गाइस, ब्लैक मैजिक, देखो गाइस, ब्लैक मैजिक, एक्सोसिज्म, ओके, दिस थिंग्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड बेस्ड हाउ स्ट्रांग बिलीव यू हैव ऑन इट। ओके, एक्सोसिज्म में आप क्या करते हो? एक्सोसिज्म में जो रिलीजियस वे से करते हैं, मंत्र तंत्र से, आप ये कहने की कोशिश करो टू दैट पर्टिकुलर स्पिरिट कि आप हम मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग, दैट इज द मैसेज दैट वी ट्राई टू यू नो फॉरवर्ड इट टू द पर्टिकुलर एनर्जी कि आई एम मोर स्ट्रांगर थ्रू यू नो रिचुअल्स एंड ऑल, एंड इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रांग यू बिलीव ऑन इट। ओके, एनी लॉजिकल हॉरर मूवी अकॉर्डिंग टू यू? आई रियली डोंट बिलीव इन हॉरर मूवीज। Because exorcism, as I told you earlier, because exorcism is what, you know, it's an art, I can say, okay? Exorcism is performed completely based on religious approach, okay? Through mantras, tantras and all, okay? Exorcism mein aap ye kehne ki koshish karo that you are stronger than the spirit, okay? Alright? Now, exorcism mein death hote ki nahi hote, previously life mein hum log dekhe, sorry, not previous life, I'm very sorry. लाइक यू नो प्रीवियस बहुत सारे चैनल्स पे ये एग्जोसिज्म के बारे में जब पढ़े थे, बहुत सारे केसेस के बारे में पढ़े थे, हर जगह पे एक मेडिकल एंगल आ ही रहा था। ओके, आ ही रहा था जहाँ पे यू नो पीपल विथ यू नो टू मच ऑफ इमोशंस ऑल्सो कैन यू नो मेक यू सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोजिशन। पोजिशन के बाद ही एग्जोसिज्म आते हैं। ओके, सो एग्जोसिज्म कैन किल एंड ऑल, ये तो मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा बिकॉज डिपेंड्स ऑन द हाउ इट इज बीन टेकन केयर ऑफ। ओके गाइज, हाउ इट इज बीन टेकन केयर ऑफ वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो पर्टिकुलर केस को हैंडल कर रहे हो। नाउ अभी एग्जोसिज्म में जैसा कि एमिली रोस के साथ हुआ था, उसको घर पर बंद करके रख दिया था यू नो बहुत टाइम तक, खाना पीना नहीं देता था। सो इन दैट केस एनी वन कैन डाई, अ नॉर्मल ह्यूमन बींग ऑल्सो कैन डाई। ओके, सो एग्जोसिज्म में डेथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आप the way you are taking care of it, that depends. The situation will give you the answer whether exorcism kills or not. But I feel like, you know, no, I don't think. If it has been taken care, you know, on a medical ground, so I think anyone can, you know, come out of all this. Mansik bimari aise cheez hote na guys, jisko bahut hi aasani se aap log paranormal ke sath relate kar sakte ho. Bahut hi, you know, easily aap log relate kar sakte ho. बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, डीआईडी होते हैं, ओके, स्प्लिट पर्सनैलिटी जो जिसे बोला जाता है डीआईडी को, सो देर आर लॉट ऑफ यू नो डिसऑर्डर्स दैट इजिली कैन बी रिलेटेड टू पैरानॉर्मल, बट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज रियल पैरानॉर्मल और नॉट, वी नीड टू गेट इनटू इट। ओके, सो गाइस, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट स्लीप पैरालिसिस। इसको एक टर्म्स बोलते हैं नार्कोलेप्सी। या स्लीप पैरालिसिस का एक होता है कि नार्कोलेप्सी भी बोला जाता है, बिकॉज नार्कोलेप्सी ये होता है कि आप कभी भी कहीं पे भी आप नींद में पड़ जाते हैं। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस उनको होते ज़्यादा जो टायर्ड रहते हैं, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस रहते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है मैं समझाता हूँ, हम जब सोते हैं गाइस, ओके, इन आवर एंटायर स्लीप टाइमिंग जो होते हैं उसमें से हम लोग तीन या चार बार एक पीरियड पे जाते हैं जिसे REM पीरियड कहते हैं, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट पीरियड। ओके, उस पर क्या होता है कि दैट इज द पीरियड व्हेन वी ड्रीम एक्चुअली,
वो पीरियड में हम सोते सॉरी हम लोग ड्रीम सपने देखते हैं, ओके। बट व्हेन वी स्लीप, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, व्हेन वी स्लीप हमारा हमारे जो ब्रेन होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, ओके। वो एक्टिव रहते हैं। नाउ ये कहा जाता है कि रैपिड आई मूवमेंट पीरियड जो है 3 से 4 बार आते हैं एंड इट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग। एज इन अ रिकॉर्ड इट वॉज सेड कि लास्ट जो REM हिट होते हैं स्टेज हमारे नींद पे, इट कैन लास्ट टू 1 आवर, ओके। नाउ नाउ क्या होता है कि सडनली अगर आप प्रॉपर REM पीरियड में आपका नींद टूट जाता है, ओके गाइस, REM पीरियड में अगर आपका नींद टूट जाता है एंड यू सडनली गेट अप, ओके, बट योर ब्रेन दैट वॉज एक्टिव, दैट इज एक्टिव, विल स्टिल रिमेन इन योर ड्रीम ड्रीम पोजिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था REM से स्टेज जहाँ पे हम लोग ड्रीम देखते हैं, ओके, तो वो पोजिशन में ही रहते, तो इट टेक्स सम टाइम टू गेट बैक टू यू नो कॉन्शियस माइंड, वो टाइम में जाके आपका स्लीप पैरालिसिस अटैक होता है, ओके। आई होप आई एम बीइंग एबल टू आंसर यू। मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहता हूँ, मैं कोई टेक्निकल या यू नो मेडिकल टर्म यूज नहीं करना चाहता हूँ इसमें, बिकॉज यू पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, तो मैं जितना स्लो हो सके मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, ओके। एनी अदर क्वेश्चन गाइज? मैं अलग अलग असमिया तो कथा कब नलग अलग कब पारे मैं Guys, I'm not getting any comments, you know. I'm really not getting any comments. What do you want to say about Annabelle and other cursed objects? See, now, Annabelle, again, we came to know through a movie, okay? We have read about it. As I said, spirits are completely in a bond of emotion. Okay? It will remain connected as long as the emotions is there. Until or unless the emotion detached नहीं हो जाता है, it will remain connected and it could be anything, okay guys, materialistic, non-materialistic, living beings, non-living beings, okay? Annabelle case में भी शायद ऐसा कुछ हुआ, ठीक है? लेकिन उसके बाद उसको manipulate इस तरह से किया गया कि मतलब you know kill हुआ कि मारा कि, मतलब वो angle जो है वो मुझे ठीक you know I don't think so ऐसा कुछ हो सकता है। Obviously विश्वजीत पॉसिबल, अगर डेथ अगर लविंग पर्सन के डेथ होते हैं दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट, बट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ट्राई टू यू नो डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम द इमोशन। जो चले जाते हैं ना उनसे आप अगर इमोशंस रख देते हो ना, वो अटैचमेंट रख देते हो, इट विल बी यू नो बोथ द साइड विल सफर, नॉट ओनली यू, बोथ द साइड, ओके। सो डेफिनेटली अगर कोई डेथ होते हैं तो वो अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। व्हाइट मैजिक गाइस, देखो व्हाइट मैजिक ब्लैक मैजिक ये सब आई पर्सनली आई एम टेलिंग आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज यू नो इट्स कम्प्लीटली योर बिलीफ सिस्टम दैट मेक्स यू वर्क, ठीक है। मैंने कभी भी मुझे बहुत सारे हम लोग जब डिबेट में बैठते हैं गाइज विथ रैशनलिस्ट, ओके, विथ बाबा ओझा, दे थ्रेट अस, यू नो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये नींबू लटका देंगे आपके नाम के लिए, ब्ला 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 थिंग्स, बट नथिंग हैड हैपेंड, आई एम स्टिल इन अ सेफ एंड साउंड एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। तो अब अगर अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो मैं उसको क्यों बिलीव करूँगा? दैट इज माई ओपिनियन आई एम टेलिंग यू। यू मीन टू से रोज महंत, यू मीन टू से एनी पैरानॉर्मल थिंग? Yeah, I said, you know, that I had a feeling, you know, I also experienced poltergeist. I have experienced, I have body push, I have experienced, yeah, okay, then doppelganger, aap khud ko hi dekh pa rahe ho kisi ke samne, you know, aap khud ko dekh rahe ho ki aap so rahe ho, okay, doppelganger, I have experienced, yeah, so there are a lot of things that I have experienced, guys. Does it exist? What, Paramita? Still tell us about cursed object. Yeah, curse jo hai wo, I can tell you any object that can be manifested by a spirit, but I can't tell you like you know cursed object kya hota hai, because uske liye mujhe wo object ke bare mein janna padega, wo object ka background janna padega, wo story janna padega, tabhi main aapko bata paunga na cursed object hote hai ki nahi. But ha, maine ye suna hai ki hote hai. I haven't come across because uske upar studies cases aate bhi nahi hai cursed object ke upar. ऊपर लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरा प्यारा है, सपोज यू नो आई एम फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी लाइक यू नो मेरा फेवरेट है, ओके,
this is one of the most, you know, best thing that I like in my life. So my you know, I'm dead, and then this is, you know, somewhere else the object for a while. So I'll try to get in touch with this particular object, because I have an emotional connection with it. I have an emotional need with it. Abhi ye cheez agar kisi ke paas chala gaya, I will not like it. So I'll try to get back it to me. Okay? So try to understand that. आपका कभी शैतानी आत्मा से नहीं शैतानी आत्मा से ब्लैक मैजिक इज सेम थिंग गोज विद व्हाइट मैजिक आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ दिस आर कंप्लीटली यू नो बेस्ड ऑन द बिलीव हाउ मच बिलीव यू दिस इज आल्सो समवेयर ब्लैक मैजिक हम लोग ये बोलते हैं कि कोई कुछ कर लेगा कोई कुछ कर देगा आपको यार द बेस्ट पर्सन टू यू नो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज यू ओके कोई भी आउटर चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ऐसा चीजें होते हैं कि मंत्र से यू नो किसी को यू नो हार्म पहुंचाना एंड ऑल दिस एटलीस्ट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस ओके एंड ये सब रूरल एरियाज पे ज्यादा होते हैं बिकॉज दे बिलीव टू मच इनटू रिलीजियस अप्रोच दे बिलीव इनटू यू नो लेमन चिलीज एंड ऑल बट कोई भी आज तक उसका लॉजिकली यू नो इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश नहीं किया सो आई रियली डोंट बिलीव इन ब्लैक बिकॉज हमें यू नो बहुत सारे थ्रेट मिलते हैं कि हम आपके ऊपर ये कर देंगे आपके ऊपर ये छोड़ देंगे सो बट स्टिल यू सी आई एम ओके एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस स्पिरिट मीन्स फुल ऑफ इमोशंस ऑन इट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर स्पिरिट के पास कुछ नीड नहीं है ना कुछ रिजल्ट नहीं है ठीक है कि मुझे क्यों रहना है एज अ स्पिरिट तो वो रहेगा ही नहीं इट विल गो टू देयर स्पिरिचुअल डायमेंशन ओके लेकिन अगर इमोशनल बॉन्डिंग है कनेक्टेड कनेक्शन है तो डेफिनेटली इट विल बी देयर एस्ट्रल फॉर्म में रहेगा ही लोग डू यू बिलीव इन गोस्ट आई डू बिलीव इन एनर्जी आउटर बॉडी इंटेलिजेंस एनर्जी कॉन्शियस एनर्जी बोल सकते जिसे हिंदी में हम लोग बोलते चेतना ओके मेरा भैया भी ज्वाइन किया ओके हाय सजेस्ट मी सर हाउ टू कॉल द स्पिरिट विद द हेल्प ऑफ अ प्लैनचीट एंड अ कैंडल गाइस प्लैनचीट एंड अ कैंडल इज ट्राई टू अंडरस्टैंड गेम ओके प्लैनचीट वीजी बोर्ड ओके ये क्या है इस पर आपका साइंस टर्म अगर आप पढ़ोगे तो इडियो मोटर इफेक्ट काम करता है ये गेम में इस पर कोई स्पिरिट्स नहीं आते ठीक है इट्स जस्ट अ गेम इडियो मोटर इफेक्ट क्या है गाइस इसका मतलब कि इफ यू आर कीपिंग राइट नाउ अगर आप करते हो आपके हाथ को आप रॉक स्टडी पे रखते हो एंड कॉन्शियसली आप इस पर नहीं देख रहे हो ठीक है आप इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करो यू विल सी योर हैंड विल मूव दैट मूवमेंट यू विल नॉट अंडरस्टैंड बट यू विल सी दैट योर हैंड विल मूव दैट इज नोन एज इडियो मोटर इफेक्ट ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस इडियो मोटर इफेक्ट में क्या था आपका ब्रेन एंड आपका बॉडी का एक्शन जो है वो कनेक्शन नहीं बन पाए सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इट्स मूविंग एंड नॉट और नॉट सो दिस इडियो मोटर इफेक्ट टेक प्लेस यू नो इन प्लैनचीट सेशन और प्लैनचीट इसको ओविजा बोर्ड बोलते हैं ठीक है प्लैनचीट उसको बोलते हैं जो बीच में जो यू नो जो ट्राइंगल शेप में होता है जिसको पकड़ के रखते हैं उससे प्लैनचीट बोलते हैं बाकी जो बोर्ड है उसको वीजी बोर्ड बोलते हैं वीजा बोर्ड बोलते हैं ठीक है सो उसके ऊपर जो है ये कम्प्लीटली फेक है मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ ये फेक है वीजा बोर्ड को कभी बिलीव मत करना इट्स जस्ट अ गेम ओके एनिमल्स पे डज इट एग्जिस्ट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग एनी स्पिरिट इफ इट हैज द इमोशंस नीड इट हैज द इमोशंस इंटेंट इट विल डेफिनेटली बी Okay, there are a lot of cases that we have faced जहाँ पे you know animals के you know spirits के बारे में बातें हुए animal spirits के बारे में okay sometimes we कुछ you know captured a kind of you know animal shape kind of objects we have captured so होते any horror experience energy can neither be created nor destroyed it can only be transformed into another form so whenever you guys visit a haunted place you drive out the spirit या वी ट्राई सी देखो अभी क्लिनजिंग एक्सोसिज्म एक टाइम पे नहीं होता गाइस एक्सोसिज्म को हम लोग क्रिश्चियनिटी बेस पे उसे एक्सोसिज्म कहते हैं हिंदू में हम लोग उसको फिर झाड़ फूक जो भी क्लिनजिंग वगैरह करना पड़ता है यू नो बाबा को बुला कर वो इट्स अ लेंदी प्रोसेस गाइस ये एक बार में नहीं होते ओके किसी को अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको एक टाइम पे जाके नहीं होते वी हैव डन अ क्लिनजिंग हम लोग के बहुत सारे क्लाइंट्स को हम लोग ने क्लिनजिंग किए हैं क्लिंस किए हैं एंड ट्रस्ट मी दे आफ्टर दैट दे आर ओके एक्टिविटीज लेस हो गया धीरे धीरे लेस हो गया फिर खत्म ही हो गया देखो गाइस कोई भी स्पिरिट्स को अगर कुछ करना है ये आंसर मैं पुलकेश बोरा लिखकर दे रहा हूँ
जिन लोगों का मर्डर हुआ है उनके स्पिरिट क्यों कुछ नहीं करता। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार बार ये चीज को रिपीट कर रहा हूँ आप सभी को कि कोई भी स्पिरिट चाहे वो अच्छा स्पिरिट हो बुरा स्पिरिट हो, उस लोग का अगर इमोशनल नीड नहीं है, इमोशन इंटेंशन नहीं है, इंटेंट नहीं है, इट विल नॉट कम्युनिकेट। शायद वो आपके घर में प्रेजेंट भी हो लेकिन वो आपके साथ कम्युनिकेट करना दे डजंट वांट टू कम्युनिकेट बिकॉज देयर इज नो नीड। जब वो नीड आ जाएगा, अगर वो इमोशनल नीड आ जाएगा एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, दे कैन कम्युनिकेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द बेस्ट वे टू यू नो गेट इज क्रिप्टोलॉजी, ओके, टू कम्युनिकेट अ स्पिरिट। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे पूछो, इफ यू आर ब्रेव है ना, ट्राई टू स्पीक विद देम। कैन स्पिरिट टेक देयर प्रीवियस लाइफ ऑफ, ये मैंने सुना है गाइस, हाँ ले सकते हैं लेकिन नॉट मोर देन 1 to 2 seconds गाइस। वो जो फॉर्म में थे फिजिकल फॉर्म में, वो फिजिकल फॉर्म में एक स्पिरिट को आने के लिए यू नो दे नीड लॉट ऑफ पावर एंड वो इट विल नॉट लास्ट नॉट इवन 2 seconds ऑल्सो। ठीक है, मैक्सिमम इवन कि हम लोग जब बात करते हैं विद स्पिरिट कम्युनिकेशन के द्वारा, वी नीड टू वेट टू गेट देम गिव अस सम इंडिकेशन बिकॉज उन लोग को एनर्जी नहीं लेते। हम लोग खुद बोलते हैं कि इफ यू वॉन्ट द एनर्जी टेक इट फ्रॉम अस, टेक इट मैनिफेस्ट एनी काइंड ऑफ यू नो इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वी हैव। इसलिए आई थिंक PSA ने शायद एक्सपीरियंस किए भी होंगे कि आप लोग जब जाते हो इन्वेस्टिगेशन में आपकी बैटरीज ड्रेन हो जाते हैं, इधर सम ऑफ द गैजेट स्टॉप वर्किंग, इट्स बिकॉज दे ट्राई टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम दैट। सो एनी अदर क्वेश्चन गाइज, आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग सब बोर हो जाओगे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो आई एम वेरी सॉरी गाइज बिकॉज बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे तो उसके कारण जो है कुछ मिस हो जाए। सो आई एम वेरी सॉरी। सर ये स्पिरिट्स सबसे ज्यादा कहाँ दिखने को मिलती है? गाइस स्पिरिट्स कहाँ दिखने को मिलते हैं? स्पिरिट्स कैन बी एनीवेयर ओके, कैन बी एनीवेयर। सो आई होप गाइस कि आप सभी का आंसर मैं दे सका हूँ। आई थिंक बहुत जन मेरे साथ यू नो एग्री करेंगे, बहुत जन डिसएग्री करेंगे, बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पैरानॉर्मल स्टडीज में क्या होता है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, डू नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ इट, ओके, उससे स्कैर्ड मत होइए। एंड वी आर अ रिसर्चर, वी ट्राई टू फाइंड आउट लॉजिकल थिंग्स, ओके। आपके यू नो नेबर में, आपके स्टेट में, आपके सिटी में अगर कभी आप ऐसे चीज़ें देखते हो, पॉजिशन है या एग्जोसिज्म के बारे में, गैट ट्राई टू हेल्प देम आउट यू नो थ्रो काउंसलिंग या यू नो थ्रो मेडिकल हेल्प, ओके, इट विल डेफिनेटली यू नो हेल्प देम बिकॉज हर चीज़ पैरानॉर्मल नहीं होती। आउट ऑफ 100% 95% केसेस आर सॉल्व थ्रो लॉजिकल, ओके, 95% केसेस आर बींग सॉल्व लॉजिकली थ्रो मेडिकल टर्म्स, ओके। बाकी जो 5% होते हैं उसे हम पैरानॉर्मल कहते हैं और उसके लिए हम लोग है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ओके, विथ प्रॉपर नॉलेज एवरीथिंग है हमारे पास, दैट 5% के लिए वी आर हियर, ओके। एंड जिन लोग को पैरानॉर्मल स्टडीज के बारे में इंटरेस्ट है, करना चाहते हो गाइस, आई वांट टू टेल यू, पहले आप प्रॉपर कोर्स यू नो प्रॉपर कोर्स कर लीजिए, प्रॉपर स्टडीज कर लीजिए। टू बी अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर 3 things इज मस्ट। वन इज हाउ स्ट्रांग योर फिजिक्स इज, ओके, हाउ स्ट्रांग यू आर इन टेक्निकल ग्राउंड एंड हाउ स्ट्रांग यू आर यू नो साइकोलॉजिकली। ये 3 things इंपॉर्टेंट होता है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए। आप पहले से प्री कंसीव नोशन लेके बैठोगे कि मैं जा रहा हूँ हॉन्टेड लोकेशन में, भूत मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली भूत मिलेगा, लेकिन वो भूत रियल भूत नहीं होगा, वो आपके ब्रेन का बनाया हुआ कोई भूत होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कीप इट ओपन माइंड, एवरीथिंग हैज अ रीजनिंग, एवरीथिंग हैज अ यू नो रीजन ऑफ देयर प्रेजेंस, ओके। सो टिल देन गाइज, आप सब अपना ख्याल रखिए, ओके, शुक्रिया असम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लव एंड यू नो आप लोग सभी ने इतने प्यार से मेरे बातों को सुना है एंड यू ऑल बी हियर, थैंक यू सो मच। PSA पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ असम, मैं आप सभी के बारे में एक बात, आई एम वेरी प्राउड, जब मैं पैरानॉर्मल फील्ड में आया था, आई
wanted to start a society back in 2012. That was, I named it as a Northeast Paranormal Society. Okay? NEPS, NEPS. So, unfortunately, उस time इतने support मुझे मिला नहीं था, team members भी कम थे. But जब अभी मैं आप सभी को देख रहा हूँ कि आप सभी इतने अच्छे काम कर रहे हो और ये आप सबको अवेयर कर रहे हो अबाउट पैरानॉर्मल स्टडीज, आई रियली 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 फील प्राउड ऑफ यू ऑल गाइज. ऐसे ही काम करते रहिए. IPS इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, IPS इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, बैकअप यू वेन एवर यू ऑल नीड. ओके, हम सब है यहाँ पे. वी हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल सोसाइटी इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में पैरानॉर्मल स्टडीज अभी बहुत कम है कंपेयर टू 10 साल पहले जो था उससे तो बेटर है अभी, लेकिन उससे भी बेटर हमें करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक पीपल रियलाइज that everything has a reason rather than blind faith, rather than blind belief. Okay, and thank you once again PSA for inviting me to your session, and thank you once again to each and everyone guys out here. Aap sab apna khayal rakhiyega, khub hal thakiwa. Next time agar main aunga live to aap sabhi ke sath SMS mein baatein karne ki koshish karunga, but main alag-alag jaanu alag-alag kobu pare. So till then you all take care. Okay, so right now I'm signing off from you all guys. Thank you so much. Take care. Bye PSA, and wish you all best of luck on behalf of Indian Paranormal Society. Take care. Bye-bye. Thank you so much guys.